नमस्कार। क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का यह पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.6 को हल करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक से है। पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, और इसमें पहला है ये 64 का घात 1/2 ये कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 64 8 का वर्ग होता है, तो 64 को हम 8 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से 8 का वर्ग। अब इसके ऊपर हम ब्रैकेट के ऊपर देते हैं 1/2, ये 64 के जगह हमने 8 का वर्ग लिखा है। तो घातांक के नियमों के अनुसार यहां क्या होगा, 8 और ये जो 2 था वर्ग गुना 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 8। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा नंबर देखिए, 32 का घात 1/5, तो हम जानते हैं कि 32 को 2 का घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है। आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, 32 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लीजिए, 2 से ये 16, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 2 और ये 2, तो देखिए 5 2 1 2 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात 5 ये 32 हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ये घात जो 1/5 था उसे लिख रहे हैं। अब फिर घातांक के नियम के अनुसार 2 का घात ये 5 और गुना 1/5, तो यहां फिर ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक इसी तरह से तीसरा नंबर भी है, 125 का घात 1/3, और इस 125 को हम 5 के घात 3 के रूप में हम लिख सकते हैं, और ये 1/3, तो फिर घातांक के नियमों के अनुसार 5 का घात 3 और गुना 1/3, पुनः ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया आंसर 5। प्रश्न संख्या 2 ज्ञात कीजिए, 9 का घात 3/2, तो आइए से हल करते हैं। यहां पर घातांक के नियमों के अनुसार हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 9 का घात 1/2 और इस पूरे का घात 3, और पुनः 9 को हम 3 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 9 को हमने लिखा 3 का वर्ग, अब इसके ऊपर घात हो गया 1/2 और इस पूरे के ऊपर घात हो गया 3, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 का घात 2 गुना 1/2 हो जाएगा जो घातांक का नियम है, और इस पूरे के ऊपर है 3, घात 3 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 3 का घात 3 यानी 3 का घन, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 अर्थात 27। अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं, 32 का घात 2/5, फिर इसे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 32 का घात 1/5 और इस पूरे का घात 2, और 32 को पुनः हम 2 के घात
पांच के रूप में लिख सकते हैं, इसे 32 हो जाएगा, दो का घात पांच करेंगे तो, और इसके ऊपर एक बटा पांच ये घात हो गया, और इस पूरे का घात हो गया दो। तो फिर प्रश्न संख्या एक की जगह की तरह दो का घात ये पांच और गुना एक बटा पांच और इस पूरे का ये वर्ग हो गया। तो यहां देख रहे हैं ये पांच और ये पांच कैंसिल हो गया, तो ये बच गया दो और दो का वर्ग, ये यहां दो था तो ये हो जाएगा हमारा चार। अब ये तीसरा नंबर देख रहे हैं, यहां 16 का घात 3/4, ठीक इसी पैटर्न पर यहां भी चलेंगे। तो 16 का घात यहां हमने लिखा 1/4 और इस पूरे का घात 3, तो यहां पर फिर से 16 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 4 के रूप में, और फिर ये इस पूरे के ऊपर 1/4 है और ये पूरे के ऊपर हमारा घात 3 है। तो यहां पर घातांक के नियमों के अनुसार फिर 2 का घात 4 गुना ये जो क्रिया होगी 4 गुना 1/4 और इसके ऊपर आ गया 3, तो यहां फिर ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये 4 का घात 3 आ गया, सॉरी 4 नहीं 2 है यहां पर, है ना, ये 2 था, हमने 4 लिख दिया गलती से, तो 2 का घात 3 अर्थात ये हो गया 8। अब ये 125 का घात -1/3, तो आइए इसे कैसे करते हैं, 125 और ये 1/3 इसका घात कर दिए और इस पूरे का घात हमने कर दिया -1। देखिए 1/3 को गुना करेंगे -1 से तो फिर ये -1/3 आ ही जाएगा, और 125 को हम 5 का घात 3 के रूप में लिखते हैं, तो इसके ऊपर फिर ये 1/3 आया और फिर इस पूरे के ऊपर आ जाएगा -1, ये घात हो गया। तो पहले की तरह यहां फिर 5 का घात 3 गुना 1/3 और इस पूरे का घात हो गया -1, तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो 5 का घात आ गया -1, और हम जानते हैं 5 का घात -1 का मतलब हो गया 1/5। प्रश्न संख्या 3 सरल कीजिए, तो इसमें पहला है 2 का घात 2/3 और इंटू 2 का घात 1/5। हम लोग देख रहे हैं कि यहां आधार 2 है, यहां भी आधार 2 है, तो घातांक के नियमों के अनुसार हम जानते हैं कि जब आधार एक ही हो और उनके बीच गुना हो तो इनका घात जुड़ जाता है यानी ऐड हो जाता है। तो आइए हम करते हैं ऐड, तो 2 का घात यहां पर है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 और जोड़ 1/5, तो ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो आइए इसे हम रफ में कर लेते हैं जोड़ को, 2/3 जोड़ 1/5, तो इसका लसा हो गया 15, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 जोड़ ये 5 × 3 = 15 यानी 13/15, तो ये हमारा आ गया 2 का घात 13/15। अब दूसरा नंबर 1/3 = 3 और इस पूरे का घात 7 है, तो हम जानते हैं 1/3 = 3 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 × -3 के रूप में, और इसके ऊपर जो पूरे पर घात है वो 7 है, और घातांक के नियमों के अनुसार ये जो घात है -3 और ये इसके ऊपर है ये गुना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 7 * 21 यानी -21। यहां हम देख रहे हैं कि आधार है 11 ऊपर में भी और ये नीचे में भी, यानी भाग हो रहा है। तो इस स्थिति में जो घात होते हैं वो घट जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। तो यहां हम वही करेंगे, 11 का घात 1/2 घटाओ 1/4। तो ये भिन्न का घटाव है, आइए इसे रफ में हम कर लेते हैं, 1/2 घटाओ 1/4। तो यहां पर लस हमारा या एलसीएम कहें 4 हो गया, तो ये 2 × 2 ये 4 हो गया और ये -1, तो 1/4। तो हमारा ये आंसर आ गया 11 का घात 1/4। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आधार अलग है लेकिन घात दोनों में 1/2 है। तो ऐसी स्थिति में घातांक के नियमों के अनुसार ये आधार का गुना हो जाता है इस तरह से, और इसका जो घात है वो तो वही रहता है। तो ये हो गया 56 का घात 1/2।